हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर। जैसे कि हम पास्ट ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और साथ ही साथ कैपिटल बजटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है और साथ ही साथ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कैपिटल बजटिंग की। देखिए, शुरुआत करते हैं कैपिटल से। द टर्म कैपिटल हियर मीन्स मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एग्जाम्पल प्लांट मशीनरी बिल्डिंग एक्सेट्रा। कैपिटल लाइक एनी अदर इकोनॉमिक गुड इज अ स्केयर्स कॉमोडिटी। ठीक है, तो कैपिटल आप समझ रहे होंगे, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द सम ऑफ मनी व्हिच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल वो धन है, वो पैसा है, वो पूंजी है। एक्चुअली कैपिटल को हिंदी में हम पूंजी कहते हैं, जिसे हम बिजनेस के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें या बिजनेस फाइनेंस की बात करें, तो यहाँ पे कैपिटल में कैश के साथ साथ मैन मेड वो सारी चीजें भी आती हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं, जैसे प्लांट मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, सारी की सारी चीजें कैपिटल कंसिडर की जाती हैं। अगर हम बात करें कैपिटल बजटिंग के डेफिनेशन की, तो मिल्टन एच स्पेंसर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है, कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर असेट्स द रिटर्न फ्रॉम विच विल बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर टाइम पीरियड्स। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी प्लानिंग करते हैं ऐसे खर्चों की जो हम एसेट्स में लगा रहे हैं, जिसका रिटर्न हमें फ्यूचर में लंबे समय तक मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे क्या होता है कैपिटल बजटिंग। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए। पहला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया और क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिमिटेशंस ऑफ पे बैक पीरियड मेथड फॉर 5 मार्क्स। तो पे बैक पीरियड मेथड पे 5 नंबर के लिए आपसे लिमिटेशंस पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन दो बार रिपीटेड है और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पे बैक पीरियड फॉर 5 मार्क्स। देखिए, पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर मैंने अपने बिजनेस में अगर कुछ भी पैसा लगाया है, तो मुझे वो कितने समय में पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब अगर मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, तो मुझे कितना टाइम लगेगा मेरा बिजनेस मुझे वो 10 लाख रुपए वापस कर दे। ठीक है, तो जितना भी टाइम लगेगा इस कॉल्ड पे बैक पीरियड, और ये बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होता है। अलग अलग बिजनेस का, 3 बिजनेस होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है और सर्विस सेक्टर होता है। तो बिजनेस उसके बाद उनके स्केल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितने लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो आपको कैपिटल बजटिंग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन 2012 और 14 में 20 मार्क्स के लिए पूछा गया और क्वेश्चन है, थ्रो लाइट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग की अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है माउस से। ठीक है, कैपिटल बजटिंग की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो पहला आइडियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, फिर प्रॉपर प्रॉफिट फोरकास्टिंग होना चाहिए, साथ ही साथ एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आपको एनालाइज करने की जरूरत है, कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर रैंकिंग प्रायोरिटीज, हम बजटिंग की मदद से अपने प्रायोरिटीज को रैंक कर सकते हैं कि जो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। ठीक है, अगला फंड अरेंजमेंट और लास्ट में हम कह सकते हैं सक्सेस ऑफ फर्म। तो अगर आपने अच्छी तरीके से कैपिटल बजटिंग की है, तो टाइम पे फंड अरेंज भी हो जाएगा और फर्म सक्सेसफुल भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन है, डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। ठीक, तो बहुत सारे मेथड्स में मैं आपको बता दूं, अर्जेंसी मेथड होता है, पे बैक पीरियड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये सारे मेथड्स हैं, 20 मार्क्स में पूछा है, तो कम से कम 3-4 मेथड्स आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन बिग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी इंपॉर्टेंस है लिख दीजिए, बिग इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। फिर 2015 में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2017 में 20 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एरियाज ऑफ कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन वन ऑफ देम। ठीक है, होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि कैपिटल बजटिंग चैप्टर में क्या सवाल पूछे जाते हैं।
और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।